जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का अपने परिवार स्टडी क्रीज में आपका स्वागत है। मेकिंग योर सक्सेसफुल लाइफ। भाइयों बहनों, आज 14 अप्रैल 2022 है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 14 अप्रैल 2022 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आगे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये लेक्चर ऑल इंडिया वन डे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए पूरे सेशन में। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। भाइयों बहनों, आपके कीमती समय को ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये तो आज का सबसे पहला मोटिवेशन है, समय विश्वास और सम्मान यह ऐसा पक्षी है जो उड़ जाए तो कभी वापस नहीं आता। तो स्टूडेंट, जितना भी समय और विश्वास और आपका जो भी इज्जत होती है, वो एक ऐसा पक्षी है जो चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। आपका समय और आपका बिलीव और आपके जो रेपुटेशन है, वो अगर खो जाए तो कभी वापस नहीं आती। तो अच्छे से समय को यूज़ करना सीखिए और अपना विश्वास बनाइए लोगों में, और अपना सम्मान कीजिए और अपना सम्मान कराइए। ठीक है, तो आगे वीडियो को शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़े भी कोऑपरेटिव होती है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है, उसका क्या नाम है। तो हाल ही में डीआरडीओ ने एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसका क्या नाम है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उसका नाम हेलिना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसे लॉक करते हैं। आगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पॉइंट देख लेने हैं। ये आपका एक हेलिना का पिक है, ये एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है, इसी में आपकी एक मिसाइल दी हुई है। ये आ रही है मिसाइल आपकी, ये आपकी मिसाइल है। ठीक, यहाँ से कुछ ऊंचाई से ये मिसाइल छोड़ी जाती है। ठीक है, तो आगे पॉइंट देख लेते हैं। हेलिना दुनिया में सबसे उन्नति टैंक रोधी हथियारों से एक है। ठीक है, जो हेलिना है जो दुनिया में सबसे टैंक रोधी हथियारों में से एक है। मिसाइल जो अधिकतम इसकी मारक क्षमता है, इसकी रेंज है 7 किलोमीटर है, जो 7 किलोमीटर तक अपनी रेंज उड़ाई के साथ इसको 7 किलोमीटर तक से फेंक सकता है। ठीक है, इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा? DRDL द्वारा हैदराबाद में इसको बनाया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पोखरण जो राजस्थान में है, वहां पर इसका परीक्षण किया है, और संयुक्त रूप से जो स्वदेशी विकसित हेलीकॉप्टर है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है, उसी में आपकी जो मिसाइल लगी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है आपकी, जिसकी ऊंचाई एक एंटी टैग गाइड मिसाइल हेलिना लॉन्च किया है, जो अधिकतम ऊंचाई पर एंटी टैग गाइड मिसाइल हेलिना को लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, जो राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान की जो रेंज है, उसमें एक नकली टैंक को लक्ष्य के साथ इसको शामिल किया गया, इसमें एक प्रकार का जो डुप्लीकेट टैंक इसमें लगाया, उसको इसके साथ इसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक, अगला, तो अगले इसमें DRDO की बात आई है इस क्वेश्चन में, तो DRDO की सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं। आपकी जो चेयरमैन है DRDO के, डॉक्टर सतीश जी रेड्डी हैं DRDO के चेयरमैन। ठीक, इसका DRDO का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, और इसको ये स्थापना हुई थी DRDO की 1998 में हुई थी। तो आपका इतना DRDO से रिलेटेड याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। आप ना एक काम किया करो फ्रेंड्स, आप रात को सोने से पहले सबसे पहले अपने लिए पूरे दिन का, दूसरे दिन का एक टारगेट बनाया करो, फिर उस टारगेट को पूरे दिन फॉलो करने के लिए कोशिश किया करो, अपना 100% दे दिया करो उस टारगेट को फॉलो करने के लिए। ये करने से ना आपकी लाइफ खुद ब खुद चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, और आप अपनी लाइफ में जो भी अपना जो गोल है उसको प्राप्त करना चाहते हो, वो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो की जो लाइक का टारगेट है हमारा, वो ओनली 20 लाइक है, तो
तो आप इसको कंप्लीट कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और अगले दिन वीडियो लाने में हमें थोड़ी एक्साइटमेंट रहेगी। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास श्री संपत, इसका नाम है संपत 1111 किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है KBGB के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसे लॉक करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पी गोपी कृष्णा अध्यक्ष ने धारवाड़ में, कहां पर? धारवाड़ में विकास श्री संपत योजना जो है 1111 विकास श्री संपत 1111 योजना का शुभारंभ किया। ठीक, अगला है, इस दिन की जो ये योजना है क्या होगी, जो 1111 दिन की जमा राशि आम जनता को 5.7% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.2% की ब्याज देती है। ठीक है, अगला है ब्याज के, इसको ये एक प्रकार की योजना है। यहाँ पर ना गवर्नमेंट आपको लोन देती है, उसमें आपको 5.7% जो आम जनता है उससे 5.7% की ब्याज लेगी और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे 6.20% की ब्याज लेगी। ओके, अगला है, इस योजना में न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 2 करोड़ रुपये जमा की अनुमति देती है। आप उसमें जो न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक जमा कर सकते हैं। अगला है, अब यहाँ पर जो कर्नाटक की बात आई है, क्योंकि ये कर्नाटक में शुरू हुआ है, कर्नाटक के कहाँ पर शुरू हुआ है पीछे देख लेते, कर्नाटक के धारवाड़ में इसको शुरू किया गया है। अगला इससे रिलेटेड, अगला कर्नाटक का यहाँ पर मैप देख लेते हैं। ये आपका इंडिया का मैप है, कर्नाटक का मैप आपका यहाँ पर है। ठीक, तो कर्नाटक की सबसे पहले देख लेते हैं राजधानी क्या है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु ही है। ओके, जो सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है और यहाँ की जनसंख्या है आपकी 6,10,95,297। कितनी है? 6,10,95,297 यहाँ की जनसंख्या है। ओके, और यहाँ का क्षेत्रफल है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। ओके, और यहाँ के जिले 31 हैं और राजभाषा यहाँ की क्या है? कन्नड़। ओके, अगला है देख ले, इसका जो स्थापना हुई है 1956 में इसकी स्थापना हुई है। राज्यपाल इसके यहाँ के थावर चंद्र गहलोत जी हैं और यहाँ के CM बसवराज बोम्बई भाजपा के हैं। ओके, तो इस वीडियो से आपको इतना याद रखना है। स्टूडेंट, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को साथ के साथ में प्रेस करना है, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं हो। कि यहाँ से जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ वो आपकी SSC UPSC और रेलवे NTPC एयरफोर्स डिफेंस जितने भी ऑल इंडिया वन डे एग्जाम होते हैं ना, उन सभी में जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट होती ही है क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन कराता हूँ वो उस वीडियो में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपसे कुछ भी कॉपरेट करती है, यहाँ से कुछ वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर दोनों पर फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राष्ट्रीय भाई बहन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका जो राष्ट्रीय भाई बहन दिवस है वो आपका मनाया जाता है हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं। भाई बहन का सम्मान करने के लिए, स्नेह दिखाने के लिए, एक दूसरे की सराहना करने के लिए इसको भाई बहन दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। एक दूसरे की सराहना करने के लिए, स्नेह दिखाने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला आज का क्वेश्चन है आपका, ICC महिला विश्व कप फाइनल 2022 किस देश ने जीता है? तो आपका अभी हाल ही में ICC महिला वर्ल्ड कप चल रहे हैं, तो वो किसने जीता है? तो अगले देख लेते हैं, वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है। ठीक है, तो आगे पॉइंट देख ले, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराकर, किसको हराकर? इंग्लैंड को 71 रन से हराकर न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हेंगले ओवल में अपने 7वें महिला विश्व कप का अपना हाथ दिखाया है। ठीक है, अपने हाथ में इसको ले लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो आगे देख लेते हैं इससे रिलेटेड और पॉइंट हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2021 किसकी, किस राज्य ने घोषणा की है? जो चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की किस राज्य ने घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, चैंपियन ऑफ चेंज एक भारतीय पुरस्कार है, ये गांधीवादी मूल्यों, स्वच्छता, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास जैसे भारत में
आकांक्षात्मक जिले में जैसे को बढ़ावा देने के लिए केजी बालकृष्णन भारत के ये कौन थे, पूर्व न्यायाधीश थे, ठीक है, और पूर्व अध्यक्ष NHRC की अध्यक्षता में संवैधानिक जारी सदस्यों द्वारा इसको चुनाया गया है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के साथ चैंपियन ऑफ चेंज तेलंगाना अवार्ड, चैंपियन ऑफ नेशनल अवार्ड का एक राज्य का संस्करण है, ये एक राज्य का संस्करण है। ओके, अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट है आपका इंटरैक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी IFIE द्वारा इसको आयोजित किया गया, जो चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश में 2021 में इसको शुरू किया है, ठीक। अगला देखते हैं, अच्छा ये अवार्ड किस किस को दिया गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, यह अवार्ड आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया है, और यूपी और मिजोरम के जो पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी को दिया गया, और संगीत कलाकार पद्मश्री विभूषण तीजन बाई को भी दिया गया, और इंदौर की मेजर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर को भी दिया गया है। अगला है राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम को भी दिया गया, भारतीय अभिनेत्री अब जो भारत की अभिनेत्री हैं दिव्यांका त्रिपाठी को भी इसे दिया गया है, और भारतीय फिल्म नेता गीतकार पीयूष मिश्रा को भी दिया गया है। और अगला भाजपा और किस किस को दिया गया, भाजपा के जो नेता हैं विक्रम वर्मा, बनवारी लाल चौकसे और डॉक्टर भागीरथ प्रसाद और कालापनी कोमाकली, सुधीर भाई गोयल, गिरीश अग्रवाल, दिलीप सूर्यवंशी, अभिजीत सुखदाने और आर्य चावड़, रोहित सिंह तोमर, मेगा परमार, विकास भादौरिया, प्रियंका द्विवेदी, इन सबको इसको इन्होंने ये अवार्ड दिया गया है। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है आपका PDP के CEO मनन दीक्षित और मयूर सेठी, रेणु शर्मा और डॉक्टर जैन और रंजीत जैन को भी दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है। श्री नंदन झा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड के संस्थापक और इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, ठीके? कौन है, श्री नंदन झा, ठीक। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 38वां सियाचिन दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। जो 38वां सियाचिन दिवस है वो आपका हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, ये दिवस मनाया क्यों जाता है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये 38वां सियाचिन दिवस जो बर्फीली सबसे जो बर्फीली ऊंचाइयों पर जो युद्ध हुआ था, कब्जा किया था वहाँ पर, अपने देश के सैनिक थे वहाँ पर प्राणों की आहुति दी थी, सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल मनाया जाता है, ठीक। ये ऑपरेशन मेघदूत के जरिए इसको मनाया जाता है, ये यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत हुआ था जो सियाचिन में सबसे ऊंचाई पर, उसी मेघदूत के देखते हुए इसको मनाया जाता है श्रद्धांजलि देने के लिए सेना को, ठीक है। ये आपका देख लेते हैं आगे, अब यहाँ पर बात आई अपनी भारतीय सेना की, सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय थल सेना की स्थापना जो आपकी 1 अप्रैल वो 1895 को हुई है, ठीक। और यहाँ का मुख्यालय नई दिल्ली है, इंडियन आर्मी का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका जो इंडियन आर्मी डे हर बार 15 जनवरी को मनाया जाता है, और इसके जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो कौन है, जनरल मनोज मुकुंदन नरवड़े जी हैं, वो जो आपके उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरत चंद्र जी हैं, ठीक। इतना आपको इंडियन आर्मी से याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा देश साल 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, तो आपका जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला है 2026 में वो आपका करने वाला है ऑस्ट्रेलिया, तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, यहाँ पर राष्ट्र यहाँ की जो सबसे पहले देख लेते हैं, विक्टोरिया राज्य में ये होने वाला है, और ये खेलों मैदान के क्षेत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस पर ध्यान दिया जाएगा, जो खेल के दौरान जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को इसको बढ़ाने के लिए इसको गौर किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, अवसर कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो आपका अवसर कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, या आपका किया है जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ये एक प्रकार का उपराज्य जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया है, किसने किया है, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया, उन्होंने किया है। यह समर्पित पोर्टल है जिसका उपयोग केंद्र शासित प्रदेश में जो नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को उद्योग से जोड़ने के लिए इसको किया गया है लॉन्च। ओके, यह एक प्रकार
पहल मिशन के तहत शुरू किया गया है। किसके तहत? पहल मिशन के तहत इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI किसने लॉन्च किया है? तो जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो लॉन्च किया है वो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, इस क्यों लॉन्च किया गया है वो भी देख लेते हैं। ये अपनी तैयारी की पहला सूचकांक है जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। ठीक है, उसको पहले से ट्रैक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती है? जो 11वीं DGC लेडीज ओपन जो चैंपियनशिप है वो किसने जीती है? वो जीती है आपकी रिया जाधव ने। ठीक है, जो गोल्फ की जो अभी हो रहे थे वो रिया जाधव ने जीता है 11वीं DGC। ठीक है, ये गोल्फ का पिक है, ये 13वीं वर्ष में रिया जाधव ने ये जीता है। ठीक है, ये 11वें सीजन में 13 वर्ष की जो रिया जाधव ने अपनी बड़ी बहन लावण्या 15 वर्ष की आयु के साथ खिताबी मुकाबले में उनके 232 मतलब 1880-74 के स्कोर से पीछे करते हुए उन्होंने 234-76, 79 और 79 स्कोर के साथ आगे निकल गई। उनका स्कोर भी मैंने लिख दिया है, इतने स्कोर के साथ वो निकल गई। 232 उनकी बहन का था और उनका था, रिया जी का 234 स्कोर रहा था। ठीक है, 76, 79, 79 स्कोर रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो हाल ही में यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट की जो महिला जज बनी है वो है केतन जी ब्राउन जैक्सन। ठीक, कौन है? केतन जी ब्राउन जैक्सन हाल ही में यूएस सुप्रीम कोर्ट की अश्वेत महिला जज बन चुकी हैं। सीनेट ने सुप्रीम कोर्ट की जज केतन जी ब्राउन को इन्होंने पुष्टि की है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट है उसकी सबसे पहले 4 मार्च 1789 में स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर Washington DC यूनाइटेड स्टेट में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL चल रहे, तो जो IPL में संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमेशा की तरह। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। इससे अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और साथ ही के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमेशा की तरह न्यू करंट अफेयर में। तब तक के लिए जय हिंद।